हत्या के आरोपी की जेल में ही मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने पिटाई कर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। इससे चर्चा में रहने वाले जेल अधिकारियों के माथे पर बल पड़ गया है। मृतक नंदनवन निवासी 28 वर्षीय आकाश ताराचंद गौंड है। आकाश ने अक्टूबर 2021 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद से वह जेल में था। शनिवार की दोपहर उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। सीने में दर्द होने पर उसे जेल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से मेडिकल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना का पता चलने के बाद आकाश के परिजन मेडिकल पहुंचे। आकाश के परिजनों ने जेल में पिटाई से आकाश की मौत होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शरीर पर चोट के निशान थे। हफ्ते भर पहले आकाश के पिता बेटे से मिलने के लिए जेल गए थे। उस वक्त आकाश ने जान का खतरा बताते हुए जेल से मुक्त कराने की याचना की थी। चर्चा है कि आकाश का जेल के प्रतिद्वंदी अपराधियों से विवाद चल रहा था। आकाश की प्रतिद्वंदी से मारपीट भी हुई थी। इस प्रकरण में सबक सिखाने के लिए आकाश की पिटाई की गई है। कुछ समय से नागपुर जेल बेहद चर्चा में है। गत दिनों अपराधी शेखू के अंडा सेल से मोबाइल बरामद किया गया। शेखू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस अंडा सेल में मोबाइल मिलना जेल के सुरक्षा प्रबंध की धज्जियां उड़े जाने के संकेत है। पुलिस के पूछने पर जेल अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस प्रकरण में सिम कार्ड गायब किए जाना बताया जा रहा है। डिमांड किया था उसने मेरे बच्चे के साथ में। अब वो तो बॉडी में उसके जितनी मार है उस पे से पता चल जाएगा क्या क्या मार है। मेरे लड़के को चारों तरफ से मारा गया है। रोज टॉर्चर कर करके मारा है। एक दिन में मारा नहीं है, वो रोज मारा है। और मैं तो अब सोमवार को मिलने जाता तब पता चलता। सोमवार को मैंने उसकी बेल्ट भी डाल रहा था। मैं वकील ने सब तैयार करके रखा था। पहले भी मेरे लड़के ने कोई गुनाह नहीं किया। बेमतलब मेरे लड़के को फंसाया था और फंसाने के बाद में अभी मेरे लड़के को ख़त्म कर दिया जेल में। जेलर ने ख़त्म कर दिया, पुलिस वालों ने ख़त्म कर दिया। तीन एजेंसी अवेलेबल है, पुलिस है, जुडिशरी है और कलेक्टर ऑफिस का भी आदमी। वीडियोग्राफी हो रही है। वीडियोग्राफी आपका पोस्टमार्टम पूरा वीडियोग्राफ होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है उसमें कि पोस्टमार्टम में कुछ कोई मैनेज कर रहा है, को आपको ये शब्द दिए जा रहे हैं कि कोई भी मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं होगा। पोस्टमार्टम में जैसा निकलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम शांत बसिए, एकदम शांत बैठिए। पोस्टमार्टम में जैसा निकल के आएगा, अभी पोस्टमार्टम जैसा आपकी प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, जैसा पोस्टमार्टम में निकल के आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। अगर उसमें कोई इंजरी आती है या कुछ आता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की। ठीक है, आप आराम से शांत बैठिए। अभी पास्ट में क्या हुआ वो आप यहाँ पे मत कहिए। और जो चार लोग वहाँ पे उनको भी मारा है इसके साथ में, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी उनके, उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना सर। उनको भी बहुत मारा है सर। नहीं, सबको मारा सर। चारो लड़के है वहाँ पे चकनी हालत में। मैं अभी आया हूँ, अभी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या उनके एलिगेशन है हम सारा एलिगेशन देख के फिर उसके बाद ही कुछ जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू।